नमस्कारम, मेरा नाम कुलदीप जोशी है। मेरे दो सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन आए हैं, एक JIGL में 68 मार्क्स आए हैं और SBEC में 64 मार्क्स आए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर में हमेशा जो भी आपको पहला क्वेश्चन आता है और जो बहुत अच्छे से आता है वो इस आप पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद जो नहीं आता है या फिर जो थोड़ा थोड़ा आता है वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। पेपर को देखकर कभी भी पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि ICSE जिसे मैंने एनालिसिस किया है हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड बनाता है। इसलिए मैं ये करता था कि सबसे पहले मैं पेपर को उल्टा पढ़ता था और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाता था और उसमें से देखता था कि पहला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, उसके हिसाब से मैं करता था। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, उससे आपको पता पड़ता है कि आपकी क्या वो है, किस लेवल पर आप हो, आपको कितनी मेहनत करनी है। और पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर आपको देखने हैं, एक बार रीडिंग करनी है या फिर देखने या प्रैक्टिस करने हैं, और खासकर राइटिंग प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। और इस जर्नी में, मेरे एग्जामिनेशन लाने की जर्नी में, सुमन सर और CS एग्जाम स्क्वेड का बहुत बड़ा हाथ है। उनके बिना मेरा ये एग्जामिनेशन कभी नहीं आ पाता।